स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट फोर वेव ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, इसका मतलब क्या गिवन है आपको? लैम्डा। लैम्डा आपको गिवन कर दिया 600 नैनोमीटर। ये आपका किसके इक्वल होगा? 600 इंटू में 10^-9 मीटर, राइट? तो ये हो गया लैम्डा। आगे दिया उसने द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। आपको पहले भी बताया था थीटा जो आपका होता है वो होता है बीटा अपॉन में कैपिटल डी। बीटा क्या है आपकी? फ्रिंज विड्थ। कैपिटल डी क्या है आपकी? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये लाइन टेढ़ी हो गई तो इसको हमने छोड़ दिया। ये आपके पास स्मॉल डी, ये आपके पास S1, ये आपके पास S2, ये आपके पास कैपिटल डी, राइट? तो बीटा आपके पास क्या आती है? बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय में स्मॉल डी, ठीक है? तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अब आपके पास? बीटा अपॉन में कैपिटल डी इक्वल टू लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, राइट? ठीक है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू इसने गिवन की हुई है, थीटा इक्वल टू 0.1 डिग्री। डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 0.1 इंटू में पाई डिवाइड बाय में 180, ये आपका किस में आ गया? रेडियन में, ठीक है, ये आपका रेडियन में आ गया आंसर। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। थीटा की वैल्यू आप इधर ले आइए तो यहाँ से स्मॉल डी आपके पास हो जाएगा लैम्डा अपॉन में थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 600 इंटू में 10^-9 डिवाइड बाय में थीटा 0.1 इंटू में पाई 180 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ से 3.5 इंटू में 10^-4 मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, राइट? अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट ए, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल डिफ्रेक्शन बैंड, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि अगर विड्थ स्मॉल डी अगर आपको डबल कर दी जाए तो इंटेंसिटी पर क्या अफेक्ट होगा। देखो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, तो ये पहले सबसे देखिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय में स्मॉल डी। हमने निकाला भी था ये जब हमने ये टॉपिक रीड किया था, ठीक है? तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये। अब आपके पास जो डी है वो डबल कर दी गई, डी आपकी डबल कर दी गई, तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन व्हेन डी इज डबल, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ जाएगी? विड्थ ऑफ, सपोज करो यहां पर जब पहले आपने किया ये आपका है बीटा, बीटा सेंट्रल मैक्सिमा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? अब इसको ले लो बीटा डैश, तो बीटा डैश अब कितना आ जाएगा आपके पास? स्मॉल डी को डबल कर दो आप, तो डबल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है? तो ये हो गया लैम्डा डी डिवाइड बाय में स्मॉल डी। इसका मतलब विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा रिड्यूस हो जाएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा रिड्यूस टू हाफ, ठीक है? सो आप इसको लिख भी सकते हो 1/2 बीटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है? तो अब आप लिखोगे सो बीटा डैश ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा
रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब अगर ये हाफ आपकी रिड्यूस हो जाएगी विड्थ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ये याद रखना, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या एम्पलीट्यूड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा भी लिख सकते हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो गया आपका, डबल हो गया। इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, एम्पलीट्यूड का स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो अगर आपका एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो आई डैश आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आई डैश आपका इक्वल टू यहां पर फोर ऑफ दी आई नोट कर दीजिए, ठीक है, ये आई नोट क्या आपकी पहले वाली इंटेंसिटी लगा लीजिए, आई नोट आप लिख दीजिए, आई नोट इज द एम्पलीट्यूड का स्केयर, ठीक है। तो ये सपोज करो यहां से आपने लिया कि आई नोट की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास के ए स्केयर, ठीक है। तो अब हमारे पास ए क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि जो ए है दैट विल बी ए डैश इक्वल टू टू ए, ठीक है। तो आई डैश की वैल्यू जो आप निकालोगे वो किस तरह से निकाली जाती है, आई डैश इक्वल टू के टू ए का स्केयर, तो ये आपके पास आ गई 4 के ए स्केयर क्या था आपके पास, आई नोड था, तो आई डैश क्या हो गया आपका 4i node, ठीक है। तो आप ये सारा रीजन दे भी सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से लिखते हो, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सेकंड। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसी के ही नेक्स्ट सी पार्ट में, व्हेन अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट, तो सी पार्ट, When the, a tiny circular obstacle is placed in the path of the light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. Explain now. ठीक है, देखो इन्होंने बोला कि आपके पास एक obstacle है, ठीक है, और उस obstacle obstacle भी कैसा है, वो आपका circular obstacle है, ठीक है। अब जब वहां से लाइट आएगी तो सेंटर में आपको ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलती है, ये आपकी स्क्रीन कंसीडर करो, ठीक है, ये आपके पास सर्कुलर ऑब्स्टेकल है, सर्कुलर ऑब्स्टेकल, तो लाइट जो है आपकी वो क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी फ्रॉम द एजेस, यहां से भी और यहां से भी, एंड देन इट एंटर इनटू द शैडो रीजन, तो शैडो रीजन में जब ये एंटर करेगी तो इस तरह से आपस में इंटरफेयर करेगी, विच हैव नो पाथ डिफरेंस, ठीक है, विच हैव नो पाथ डिफरेंस, ये लगा लो पॉइंट आपके पास हो गया ओ, ठीक है। तो यहां पर जो ये शेडो देगी वो थोड़ा सा एनलार्ज भी होगा, ठीक है, और साथ में आपकी क्या होगी, यहाँ पर फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज आपकी मिलेगी, राइट। तो ये था आपका सी पार्ट। अब है आपका बी पार्ट जो बीच में रह गया था, तो बी पार्ट है, इन व्हाट वे इज डिफ्रेक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफ्रेक्शन फ्रॉम ईच स्लिट किस तरह से आप रिलेट करते हैं, तो देखिए अगर हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, ठीक है, तो इनके एजेस से क्या जाएगा, डिफ्रेक्शन पैटर्न होगा, क्योंकि लाइट्स बैंड करेंगे अराउंड द कॉर्नर्स एंड एंटर इनटू द शैडो रीजन, ये सारी चीजें आप लिखेंगे, ठीक है। व्हेन वी हैव टू स्लिट्स,
इन केस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, देन देयर इज अ डिफ्रेक्शन पैटर्न अकर फ्रॉम द एजेज ऑफ द स्लिट, एज ऑफ द स्लिट से डिफ्रेक्शन पैटर्न होगा जिसकी वजह से इंटेंसिटी आपकी जो प्रोड्यूस हुई है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू द इंटरफेरेंस वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, राइट? आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज चेंज ड्यू टू द डिफ्रेक्शन पैटर्न सुपरपोजिंग ड्यू टू ईच स्लिट, ठीक है, हर स्लिट से जो डिफ्रेक्शन पैटर्न हुआ वो क्या हो जाएगा, आपस में सुपरपोज हो जाएगा जिसकी वजह से इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, राइट? अब है आपका पार्ट डी, ठीक है, पार्ट डी में वो क्या कह रहा है कि रे ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी ने बोला था, ठीक है, लेकिन हमने बार बार किया भी है कि जो वेव थ्योरी है उसने उसको क्या बोल दिया था कि जब भी छोटे अपर्चर होंगे या छोटे ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल की एजेस की हम बात करेंगे जिनका साइज वेवलेंथ के डायमेंशन के अप्रोक्सीमेट होगा तो वहां पर ये पार्टिकल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, डिफ्रेक्शन अफेक्ट ऑब्जर्व व्हेन द लाइट प्रोपेगेट थ्रू द स्मॉल अपर्चर और स्लेट और अराउंड द स्मॉल ऑब्स्टेकल डिसप्रूव दिस अजम्पशन, तो वही चीज आ गई, येट द रे ऑप्टिक्स अजम्पशन इज सो कॉमनली यूज इन अंडरस्टैंडिंग लोकेशन सेवरल अदर प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वट इज द जस्टिफिकेशन। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे इसने बोला है कि एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, और हम ये नहीं है कि एक दो जगह पे, सेवरल प्लेसेज पर, सेवरल प्रॉपर्टीज हम लोग जो है, सेवरल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस पर रे ऑप्टिक्स हम यूज कर रहे हैं, तो वाई, तो इसमें आप लिखोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट हैज वेरी लार्ज डायमेंशन सो हियर diffraction of light is negligible, वो क्या हो जाएगी, negligible कर दी जाएगी, okay, and assumption क्या ली जाएगी, hence the assumptions आर अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स मीन्स इट मीन्स लाइट ट्रेवल स्ट्रेट पाथ, ओके, क्योंकि डिफ्रेक्शन थ्योरी या वेव थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल थी, जहां पर अपर्चर का साइज क्या था, वेरी वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेट टू द साइज ऑफ वेवलेंथ, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ दे दी है आपको लैम्डा इक्वल टू 500 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 मीटर, राइट। उसके बाद इन्होंने बोला है फॉल ऑन अ नैरो स्लेट एंड रिजल्टिंग द डिफ्रेक्शन पैटर्न, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास स्मॉल स्लिट, सपोज करो ये हमारे पास स्मॉल स्लिट हो गई, ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेक्शन पैटर्न ये देगी, ठीक है, तो
तो ये आपकी यहाँ से एजिस से क्या हो जाएगी, एंटर इंटू दी शेडो रीजन, राइट, एंटर इंटू दी शेडो रीजन। तो ये आपका कैपिटल डी, ये आपकी स्लिट, ठीक है, ये आपके पास स्क्रीन, ठीक है, और यहां पर आपके पास है नैरो स्लिट, नैरो स्लिट, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं यहां से कहूं कि आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज की, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की कंडीशन बतानी है, तो वो क्या आई थी आपकी डिफ्रेक्शन पैटर्न में, ए साइन थीटा, या हमने स्मॉल डी भी यूज किया था, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ओके, फॉर द फर्स्ट डार्क, फॉर द फर्स्ट डार्क, ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन आई थी। ए क्या था आपके पास, ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट, ये क्या था आपका, विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है। थीटा क्या था आपके पास, डाइफ्रेक्टेड एंगल था, डाइफ्रेक्टेड एंगल। अब इन्होंने यही बोला है आपका, फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट रिजल्टिंग द डाइफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे, इसका मतलब कैपिटल डी क्या है आपके पास, कैपिटल डी 1 मीटर, ओके। इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट मिनिमा इज एट अ डिस्टेंस 2.5 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट मिनिमा जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है 2.5 mm पर। तो यहां से देखो हमें निकालनी है विड्थ ऑफ स्लिट निकालनी है, तो यहां से विड्थ ऑफ स्लिट मतलब हमें ए चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, लैम्डा अपॉन में साइन थीटा, लैम्डा अपॉन में साइन थीटा, राइट। और थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आ जाता है थीटा के इक्वल, ठीक है। तो हम यहां पर ए को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब अगर इसी ट्रायंगल में हम लोग देखें, इन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस है फर्स्ट मिनिमा की वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन से 2.5 mm है, ये सेंटर हो गया स्क्रीन का, सेंटर। तो ये यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमा मतलब फर्स्ट डार्क, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 mm, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास x की वैल्यू दे दी, और x भी कौन सा, x1 की वैल्यू दे दी, तो x1। और अब देखिए यहां से मैं अभी पेज पलटने वाली, तो यहीं पर ही आपको समझा देती हूं कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इक्वल टू x1, x1 अपॉन में कैपिटल D, ये आपके किसके इक्वल हो जाएगी, टेंजेंट थीटा, ये क्या है, थीटा, ठीक है। तो x अपॉन D इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हम इसको करते हैं x अपॉन में, x1 अपॉन में कैपिटल D इक्वल टू टेंजेंट थीटा। फिर से वही चीज कि अगर थीटा आपके पास वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन x1 अपॉन में कैपिटल D, ये आपके पास आ गया थीटा के इक्वल, ठीक है। और हमारे पास यहां से अगर मैं देखिए अभी फॉर्मूला अगर मैं यही रखती हूं, ए साइन थीटा इक्वल टू 1 lambda फॉर द फर्स्ट डार्क, फॉर द फर्स्ट डार्क, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा आपके पास आया लैम्डा अपॉन में ए, अगर थीटा आपका स्मॉल है तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आई आपके पास, लैम्डा बाय ए। तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन में ए इक्वल टू एक्स वन अपॉन में कैपिटल डी, राइट। तो यहां से हमें क्या चाहिए, हमें तो स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय में एक्स वन, ठीक है।
तो ये जब आप सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा हो गया आपका 500 इंटू में 10^-9 मीटर में, एंड कैपिटल डी आपके पास 1 मीटर, ठीक है, और डिवाइड बाय में आपके पास जो एक्स वन है वो है 2.5 इंटू में, क्योंकि 2.5 mm है तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, -3, ठीक है। तो ये ए की जो वैल्यू है, ए इज़ द विड्थ ऑफ दिस स्लेट, ये आपके पास आ गई 0.2 mm, ठीक है, ये आपके पास आएगी 0.2 इंटू में 10^-3 मीटर, ठीक है। उसको मीटर को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, एमएम में। अगर किसी को डायरेक्ट समझना है तो 0.2 इंटू में 10^-3 मीटर, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।